ये 2002 की शुरुआत भले ही हो चुकी है, लेकिन कोरोना वायरस का आतंक टस से मस नहीं हुआ है। इस समय कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने देश दुनिया में अपना कहर मचाया हुआ है। आम लोगों से लेकर बॉलीवुड के दुनिया के कई सितारे लगातार संक्रमित हो रहे हैं। बढ़ते केसेस को देख हर राज्य की सरकार एक्शन में आ गई है। ऐसे में एक बार फिर बॉलीवुड पर कोरोना का ग्रहण लगता दिख रहा है। कई राज्यों में सिनेमा घर तक बंद हो गए हैं। आलम यह है कि मेकर्स भी ऐसे हालातों में अपनी फिल्में रिलीज नहीं करना चाहते हैं, और एक बार फिर कोरोना की वजह से कई फिल्मों के रिलीज डेट आगे खिसक गई है। आइए डालते हैं नजर इन्हीं फिल्मों पर। राधे श्याम। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है फिल्म राधे श्याम का। कोरोना का सर बाहुबली प्रभास और पूजा हेगड़े स्टारर रोमांटिक ड्रामा राधे श्याम की रिलीज पर भी पड़ गई है। 14 जनवरी 2022 को थिएटर्स में रिलीज होने जा रही इस फिल्म को अब अनिश्चित काल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। देश भर में चल रही कोविड-19 की स्थिति के कारण मेकर्स ने रिलीज डेट से कुछ दिन पहले 5 जनवरी को इसकी घोषणा की है। RRR। SS राजा मौली की मैग्नम ओपस फिल्म RRR की रिलीज का इंतजार तो लंबे समय से हो रहा है, लेकिन अब कोरोना के कारण ये इंतजार और लंबा हो गया है। जूनियर NTR, रामचरण, आलिया भट्ट और अजय देवगन स्टारर RRR 7 जनवरी को स्क्रीन पर हिट होने वाली थी, लेकिन सिनेमाघरों के बंद होने और कुछ राज्यों में 50% का नियम लागू होने के कारण मेकर्स ने फिल्म की थिएटर रिलीज को रोक दिया है। फिल्म की टीम ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर बताया है कि सही समय पर फिल्म के रिलीज डेट को दर्शकों के साथ शेयर किया जाएगा। पृथ्वीराज। अक्षय कुमार और पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर के फिल्म पृथ्वीराज एक और फिल्म है जो कोविड-19 मामलों में तेजी की वजह से इफेक्ट हुई है। पृथ्वीराज को ऐसे समय में रिलीज नहीं किया जा सकता जब देश में आधी जगह सिनेमाघर ही नहीं खुले हैं, क्योंकि यशराज बैनर को इस फिल्म से बड़े बिजनेस की उम्मीद है। ये फिल्म इसी महीने 21 तारीख को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब फिल्म की रिलीज को होल्ड पर डाल दिया गया है। जर्सी। शाहिद कपूर और मृणाल कपूर के मच अवेटेड फिल्म जर्सी तो 31 दिसंबर 2021 को ही रिलीज होने के लिए तैयार थी, लेकिन फिल्म की रिलीज से ठीक एक दो दिन पहले मेकर्स ने रिलीज को टालने का फैसला लिया। मेकर्स का कहना है कि मौजूदा परिस्थितियों और कोविड प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए हम अपनी फिल्म जर्सी की थिएटर रिलीज को पोस्टपोन करने का फैसला कर रहे हैं। पोन्नियिन सेल्वन। एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन की फिल्म पोन्नियिन सेल्वन का नाम भी इसी लिस्ट में शामिल है। इस फिल्म की शूटिंग MP में होने वाली थी, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इस प्रोजेक्ट को होल्ड पर रख दिया है। फिल्म के लिए मणिरत्नम एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ 2 हफ्तों के लिए MP आने वाले थे। कैटरीना कैफ की अपकमिंग फिल्म। नई नवेली दुल्हनिया कैटरीना कैफ अब शादी के बाद काम पर वापस करने की तैयारी में थी, लेकिन कोरोना ने अपने पैर बीच में ही अड़ा दिए। डायरेक्टर विपुल अमृतलाल शाह कैटरीना कैफ को लेकर एक अनटाइटल फिल्म की शूटिंग को लेकर MP जाने वाले थे, जिसकी शूटिंग फरवरी में तय थी, मगर अब वह भी टल गई है। विक्की कौशल और सारा अली खान की आगामी फिल्म। एक्टर विक्की कौशल तो शादी के कुछ समय बाद ही अपनी आगामी फिल्म के लिए इंदौर रवाना हो गए थे। विक्की और सारा अली खान की अपकमिंग फिल्म की शूटिंग वहां 27 जनवरी तक होनी थी। इस हफ्ते सतीश कौशिक भी कास्ट एंड क्रू को ज्वाइन करने वाले थे, लेकिन ओमिक्रॉन के चलते अब तक वह MP नहीं आ पाए हैं। ऐसे में महामारी को देखते हुए हफ्ते भर में रैप अप करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं।